हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th के उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कवायद से इसमें ज़्यादा है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसमें से आपको कवायद के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपके सामने पहला सवाल, गजल का आखिरी शेर कहलाता है। आपके ऑप्शन है मतला, मक्ता, मिसरे या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मक्ता कहलाता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, ठीक है, वो होता है आपका मक्ता, ठीक है। और गजल का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ होता है, दोनों मिसरा, ठीक है, मिसरा मतलब एक लाइन, और एक शेर जो बनेगा वो दो मिसरों से बनेगा। तो गजल का पहला शेर जो होगा वो दोनों हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, तो वो कहलाता है आपका मतला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, ईदगाह में लाहका है। आपके ऑप्शन है ईद, गा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि लाहका क्या होता है। लाहका यानी सफिक्स, किसी भी नंबर में, किसी भी वर्ड में या लफ्ज़ में जो आखिर में जुड़ा होता है उसे लाहका कहते हैं। तो ईदगाह में आखिर में क्या जुड़ा है, गाह जुड़ा है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गा, गा आपका लाहका होगा। और जो पहले जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, साबका, ठीक है, उसे कहते हैं साबका। तो अगर जैसे कहते हैं कि ना मुराद, ना मुराद, तो इसमें साबका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, गालिब कहाँ पैदा हुए। आपके ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, ईरान या फिर इनमें कोई नहीं। तो गालिब साहब जो पैदा हुए थे वो आगरा में हुए थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, कवायद के एतबार से दिल्ली क्या है। आपके ऑप्शन है मस्दर, मस्तक, जामिद या फिर हासिल मस्दर। तो दिल्ली जो है वो आपका ऑप्शन सी हो, जामिद, ठीक है। जामिद किसे कहते हैं, जामिद वह इस्म होता है जिससे ना तो कोई लफ्ज़ निकले या ना वो किसी लफ्ज़ से निकला हो, ठीक है, वो जामिद होता है। मस्दर जो होता है जो किसी से निकला तो नहीं होता है लेकिन इससे कोई लफ्ज़ निकले, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, ये मस्दर हो गए। मस्तक क्या होते हैं, ये होता है कि जो खुद मस्दर से निकला हो और इससे कोई लफ्ज़ निकले, ठीक है, जैसे लिखना से क्या होगा, लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, ये मस्तक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, तुम आओगे कौन सा फेल है। ठीक है, कौन सा फेल है, आपके ऑप्शन है फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल अम्र या फिर इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फिल मुस्तकबिल, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तुम आओगे फ्यूचर है तो मुस्तकबिल फ्यूचर, ठीक है, फिलहाल यानी प्रेजेंट। अमर क्या होता है, ये इसमें हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, अमर में ऑर्डर दिया जाता है, वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है। आपके ऑप्शन है खिताब, कुनियत, लकब या फिर उर्फ। तो इब्ने मरियम, इब्ने मरियम क्या हो रहा है, इसमें रिलेशन जोड़ा जा रहा है, रिश्ता जोड़ा जा रहा है ना, तो जिस नाम में रिश्ता जोड़ा जाता है वो होता है आपका कुनियत, ठीक है। तो इब्ने, इब्ने का मतलब बेटा होता है, मरियम, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, वो गालिब साहब का शेर है ना, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनू में जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, ठीक है। तो ये ऐसे आते रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, इनमें तखल्लुस कौन है। आपके ऑप्शन है पद्म भूषण, अब्बास, मीर या फिर इनमें कोई नहीं। तो तखल्लुस पहचानने का सबसे आसान चीज है, आसान तरीका है, ये तखल्लुस नाम के ऊपर ऐसा ये बना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो मीर है, मीर तकी मीर का है, मीर तखल्लुस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, इसमें सिफत है। आपके ऑप्शन है, ठीक है, दहली, दरख्त, अच्छा या फिर वसी। तो इसमें सिफत, सिफत क्या है, जो खूबी को बताए, कैफियत को बताए, हालात को बताए। तो कैफियत हालात को कौन बता रहा है आपको, अच्छा बता रहा है, ठीक है, कोई चीज़ अच्छा है बुरा है तो वो कैफियत बताता है ना, तो इसमें सिफत अच्छा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन,
जिस गजल में रदीफ नहीं होते हैं कहलाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अक्सर पूछ देता है। जिस गजल में रदीफ नहीं होते वो कहलाता है, आपके ऑप्शन है मरसिया, नसर, गैर मुरदीफ या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गैर मुरदीफ। जिस गजल में रदीफ नहीं होता उसे कहते हैं गैर मुरदीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आला कौन है? आला का मतलब होता है औजार, हथियार, ठीक है, हथियार। तो इसमें आला बताना है आपको, आपके ऑप्शन है कलम, चमचा, चाकू या फिर सभी। तो कलम भी हथियार है, चम्मच भी हथियार है, चाकू भी हथियार है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? इसमें आम यानी कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन को कहते हैं इसमें नकरा या इसमें आम। आपके ऑप्शन है गंगा, अहमद, नदी या फिर ए और बी दोनों, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आम पूछ रहा है ना, तो गंगा तो खास हो गया, खास नदी का नाम हो गया, अहमद भी खास नदी का नाम, खास आदमी का नाम हो गया, नदी इससे पता नहीं चल रहा ना कौन सी नदी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नदी इसमें नकरा है। और इसमें खास बोलता, अगर इसमें खास बोलता, ठीक है, तो इसमें खास को क्या बोलते हैं, इसमें मार्फा, इसमें मार्फा बोलते हैं इसमें खास को। तो गंगा खास हो जाता, अहमद खास हो जाता, पटना, दिल्ली ये सब खास हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12, बेरा उठाना का मतलब, आपके ऑप्शन है बर्बाद होना, घबरा जाना, ए और बी दोनों या फिर सख्त काम का जिम्मा लेना। बेरा उठाना कहते हैं ना कि बेरा उठा लिए हैं, तो बेरा उठाना मतलब जिम्मा लेना, किसी काम का जिम्मा ले लेना, जिम्मेदारी उठा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मोती लफ्ज है, आपके ऑप्शन है मुजक्कर, मुअन्नस दोनों या फिर कोई नहीं। तो मोती जो है आपका मुजक्कर है, ठीक है, मोतियों का माला होता है, ठीक है, मोतियों का माला, ठीक है, मोतियों की माला नहीं होता। तो जैसे ये जो लगा होता है ना, तो ये मुअन्नस होते हैं लेकिन कुछ लफ्ज को छोड़ के, जैसे मोती हो गया, दही हो गया, हाथी हो गया, ये सारे मुजक्कर हैं, इनके लास्ट में ये लगा है लेकिन ये मुजक्कर लफ्ज हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मुजक्कर को और क्या कहते हैं, तज़कीर कहते हैं, मुजक्कर को तज़कीर कहते हैं और मुअन्नस को तानीस कहते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। आपको तज़कीर पूछ सकता है या फिर तानीस पूछ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गज़ल अरबी के किस लफ्ज से निकला है? तो आपके ऑप्शन है सबाब, मसनवी, रसा या फिर कोई नहीं। तो गज़ल अरबी के किस लफ्ज से निकला है? तो ये होगा, इसमें से किसी भी लफ्ज से नहीं निकला है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। गज़ल जो बना है वो आपका तस्बीब से बना है, ठीक है, और तस्बीब का माने होता है सबाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी है, ठीक है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15, मरसिया अरबी के किस लफ्ज से बना है? आपके ऑप्शन है तस्बीब, रसा, सबाब या फिर कोई नहीं। तो अभी मैंने बता दिया आपको, ये तस्बीब तो होगा नहीं क्योंकि इसके माने सबाब का हो गया, सबाब वही जवानी, ठीक है। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रसा। मरसिया जो है वो रसा से बना है और रसा के माने होते हैं रोना या फिर मातम करना, ठीक है। चलिए और एक चीज और बता दें आपको कि मरसिया जो है वो दो किस्म होता है, एक होता है मरसिया और दूसरा होता है शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिया मतलब कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और सोहदाए करबला को छोड़ के दुनिया के किसी भी शख्स के बारे में अगर उसकी उसके बारे में मरसिया लिखा जाता है तो उसे कहते हैं शख्सी मरसिया, ठीक है, और उनके सोहदाए करबला के लिए जो मरसिया लिखा जाता है उसे कहते हैं मरसिया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।